हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की भरवा बैंगन, वो भी एक अलग तरीके से। भरवा बैंगन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट बन जाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बनाने भरवा बैंगन। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम बैंगन ले लिए हैं। ये लंबे और पतले वाले बैंगन हैं, इनको अच्छे से धो लिया है मैंने। अब इनको बीच में कट लगाएंगे। इस तरीके से बैंगन लेंगे और इसके बीच में इस तरीके से कट लगाएंगे और इस तरीके से इसके अंदर का जो सारा गुद्दा होता है उसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से चम्मच की सहायता से आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से देखिए, ऐसे ही सभी बैंगन को अंदर से ऐसे सभी बैंगन को जो है मैंने अंदर से ऐसे खाली कर लिया है और जो है अंदर का गुदा है इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी में डालेंगे इसको, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका, इसको दरदरा पीसना है। ये दरदरा पीस लिया है मैंने। अब बैंगन बनाने शुरू करते हैं। ये मैंने दो टमाटर लिए हैं जिनको कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ और दो कटी हुई हरी मिर्च। ये कढ़ाई ले लिया मैंने और इसको गर्म कर लिया है। इसमें एक चम्मच तेल डाला है मैंने, इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा, अब इसमें डालेंगे ये टमाटर और ये जो बैंगन रखे हुए हमने बैंगन का अंदर का गुदा पीस कर इसको भी डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कलर वाली मिर्च है डेली मिर्च। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमें इस मसाले को अच्छे से पकने देना है। मसाला जो है वो पक गया है, इसमें बैंगन डाल देंगे। मसाले को पकने में 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधी कटोरी पानी डाले हैं मैंने इसमें। अब इनको बिल्कुल स्लिम गैस पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बैंगन जो है बनके तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। इनको 7 मिनट लगे हैं बनने में,